हेलो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टाइटल है द अल्टीमेट गाइड टू फैट लॉस। आज मैं बात करने जा रहा हूं फैट लॉस के बारे में। अगर ग्लोबल फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किसी बारे में चर्चा होती है तो वो इसी बारे में होती है कि फैट कैसे लूज किया जाए। अगर बॉडी में स्टोर्ड फैट की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। आज ओबेसिटी एक वैश्विक समस्या बन गई है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। मोटापा या ओबेसिटी कई बीमारियों का कारण है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर और भी कई बीमारियां। इन सब के अलावा अगर कोई अपने फिटनेस गोल्स अचीव करना चाहता है तो ओबेसिटी या मोटापा बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। देखिए दोस्तों, ओबेसिटी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें एक्सरसाइज कम करना या बिल्कुल ना करना, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना मुख्य कारण है। आपने सुना होगा कि जेनेटिक्स का भी मोटापे में योगदान होता है। आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म का तेज या धीरे होना भी यह डिसाइड करता है कि आप कितने फिट रहेंगे। ये सारे फैक्टर्स आपकी फैट लॉस जर्नी को अफेक्ट करते हैं। फैट लॉस करने के लिए अगर कोई एक फंडा है तो वो है कैलोरी डेफिशिट। आपके कैसे भी जेनेटिक्स क्यों ना हो, आप कोई भी एक्सरसाइज करो, कितनी भी करो या कैसी भी डाइट लो, अगर आप कैलोरी डेफिशिट में नहीं जाएंगे तो आप फैट लॉस नहीं कर सकते। कैलोरी डेफिशिट का मतलब है हमारी बॉडी का ऐसी स्थिति में रहना जहां हम अपनी जरूरत से कम कैलोरीज लेते हैं। सरल भाषा में कहूं तो आपके मौजूदा वजन या आपके एग्जिस्टिंग बॉडी वेट को बनाए रखने के लिए जितनी कैलोरीज आपको कंज्यूम करने की जरूरत है उससे कम कैलोरीज जब आप लेते हैं तो उसे हम द स्टेट ऑफ कैलोरी डेफिशिट कहते हैं। मतलब कि अभी आपकी बॉडी कैलोरी डेफिशिट में है, अब आप या कैलोरी डेफिशिट स्टेट में कैलोरीज में कमी करके भी जा सकते हैं या फिर एक्सरसाइज बढ़ाकर भी जा सकते हैं। हमारी बॉडी बिना कुछ एक्टिविटी किए भी अप्रोक्स 80 कैलोरीज पर आवर बर्न करती है, जिसे हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट या RMR कहते हैं। यह 80 कैलोरीज से ऊपर नीचे हो सकता है, वो निर्भर करेगा इस बात पर कि आपका बॉडी वेट कितना है, आपके बॉडी में फैट मास कितना है, मसल मास कितना है। मान लीजिए कि आपकी बॉडी 80 से 90 कैलोरीज हर घंटे बर्न करती है। इस तरह से एक 80 केजी इंडिविजुअल 24 घंटे में लगभग 1920 कैलोरीज बर्न करेगा बिना किसी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के। अब ये 1920